नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। ये उपाय आपके घर में धन धान्य को भर देगा। धन से मतलब है हर तरह की लक्ष्मी, धान्य आपके घर का धन और धान्य, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी, घर में किसी भी चीज की त्रुटि नहीं होगी। कभी दोस्तों ऐसा होता है, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान जो काम नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके उन कामों को आसानी से करके चले जाते हैं। तो ये उपाय भी दोस्तों बहुत छोटा सा है, आपको हर शुक्रवार इसको करना है। आप इसको करना शुरू करेंगे और आप खुद देखेंगे कि कितना जबरदस्त परिवर्तन आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो ईमानदारी पूर्वक प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें, बहुत अच्छा पुण्य का काम है। अच्छी जानकारियों को शेयर करना पुण्य का काम है, जरूर करें। दोस्तों, हर शुक्रवार आपको एक छोटा सा काम करना है। आप चाहे तो इसको टोटका समझें या छोटा सा उपाय समझें, रिजल्ट बढ़िया आना है। आप सबको बता दूं कि जो बादाम है, एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी बादाम की, काफी लोगों ने पूछा था कि आप बादाम से आपका मीनिंग कहीं मूंगफली तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यदि मैं मूंगफली के बारे में आपको जानकारी दूंगी तो बता दूंगी कि ये मूंगफली की जानकारी है, बादाम की ही मैं बात करती हूँ। बादाम जो खाने के लिए आते हैं, पंचमेवा में से एक बादाम। हर शुक्रवार आपको एक काम करना है, एक बादाम लेना है और उस पर कुमकुम से या लाल रंग की पेन से आपको स्रिम लिखना है। क्या करना है? लाल रंग से आपको उस पर स्रिम लिखना है और उस बादाम को आपको वहां रख देना है जहां आप पैसे रखते हैं। हर शुक्रवार आप उसे चेंज करते रहें। जो घर का मुख्य व्यक्ति है, जो अर्निंग करने वाला व्यक्ति है, या आपके घर में तीन चार जो भी ज्यादा पर्सन अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा अर्निंग करता है, या फिर वो व्यक्ति जो अपनी अर्निंग सबसे ज्यादा घर में लगा रहा है, उस व्यक्ति को, मतलब जैसे आपने इस शुक्रवार एक बादाम रखा है तो अगले शुक्रवार उस बादाम को आपको ले लेना है और उस व्यक्ति को दे देना है जो मेन कमाने वाला व्यक्ति है आपके घर में, और वहां आपको इसी तरीके से दूसरी एक बादाम रख देनी है। ठीक है? जो व्यक्ति धन कमा रहा है, ला रहा है, उसके धन में वृद्धि हो जाएगी। यदि वो नौकरी कर रहा है, सैलरी बढ़ जाएगी, व्यापार कर रहा है, धंधा जबरदस्त रूप से चलने लग जाएगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके साथ रहेंगी, माता लक्ष्मी की सदैव उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी। हर शुक्रवार धन स्थान में एक बादाम रखें और दूसरे शुक्रवार उसको खा जाएं और वहां पर नई बादाम रखें। दूसरा, हर शुक्रवार अपनी बॉडी पर एंड स्पेशली अपने बालों पर, बालों में भी जो पीछे सिखा के बाल है, इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल जरूर लगाएं। बादाम का तेल यदि आप शुक्रवार के दिन अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है। शुक्रवार के दिन यदि आप नहाने के पानी में भी, जैसे इलायची है, बड़ी इलायची आप डालते हैं तो भी आपकी किस्मत चमकती है। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया है कि बड़ी इलायची को पानी में बराबर उबाल करके उसका जो पानी निकलता है उसको यदि आप शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में मिला दे और उससे आप स्नान करते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहती है, घर में धन के ढेर लगते हैं। इसी तरीके से नहाने के पानी में यदि आप शुक्रवार के दिन बादाम का दो बूंद तेल डालें, ज्यादा ना डालें, सिर्फ दो बूंद तेल डालें और उस पानी से आप नहाना शुरू करें,
किस्मत दोस्तों चमक उठेगी। शुक्रवार के दिन यदि आप अपनी जेब में भी बादाम रखते हैं तो भी आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन यदि आप 6 बादाम लेकर के जाते हैं, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को अर्पित कर देते हैं, तो आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप शुक्रवार शुक्रवार 6-6 बादाम भगवान शिव को अर्पित करें और अपनी इच्छा बोलें। बहुत जल्दी दोस्तों आपका काम होगा, धन वैभव आपके घर में ऐसे आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। जहां भी पांव रखेंगे सफलता आपके चरण चूमेंगी, माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। तो दोस्तों जरूर करें इस उपाय को, करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आपको क्या अनुभव हुए। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।